नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल द अनुज पांडे पे। तो दोस्तों, आप कार देख सकते हैं, आपने कार पहचान ही लिया होगा कौन सी कार है। तो आपने कार अगर पहचान लिया होगा तो हम बता देते हैं कि हम आपको इस वीडियो में क्या दिखाएंगे इस कार के। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इस कार का रिवर्स कैमरा टेस्ट करेंगे, रिवर्स कैमरा रिव्यू देंगे कि इसका रिवर्स कैमरा, जैसे हम पीछे जाते हैं पीछे में हमको कितना डिस्टेंस बचता है, तो इसका सेंसर साउंड करने लगता है और हम इसको कितना, जैसे कि अपन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे, जैसे कि हम कभी कोई घास का टुकड़ा लेके रख लेंगे या कभी अपन ईटा लेके रख देंगे, कभी हम चले जाएंगे अपने दीवाल उवाल के पास, वहाँ पे इसको ट्राई करेंगे कि या वहाँ पे कितना इसका सेंसर साउंड कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं खुले मैदान में। खुले मैदान में हम कुछ कुछ ऑब्जेक्ट रख के, और जैसे कि ये तो पीछे में हमको दिख ही रहा है, इसमें हम देख लेंगे दीवाल का, बाकी हम कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स रख के इसका रिवर्स कैमरा टेस्ट करेंगे और हमको कितना डिस्टेंस मिल जाता है रिवर्स कैमरा में, कि हम और कितना पीछे कर सकते हैं सेंसर बजने के बाद। जब सेंसर जब लाउड हो जाता है, जब ज़्यादा ही स्पीकर हो जाता है, तो हम कितना और पीछे ले जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और ये सब हम आपके लिए ही कर रहे हैं दोस्तों। और आप ये कमेंट सेक्शन में हमें अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और आपको अगर वीडियो में कोई भी गलती लगे तो भी आप हमें बताइएगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए नया नया और वीडियोस लाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारी वीडियो की ओर, और हम वीडियो में ये भी ट्राई करेंगे कि कितने डिस्टेंस में हमको ये मिलता है, कितने डिस्टेंस में हमको क्या क्या होता है। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर से आपको स्क्रीन में दिखाएंगे सारी चीज़ कि हम पीछे में ऑब्जेक्ट्स भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद हमको पीछे में कितना स्पेस मिला है ये भी आपको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और अब हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं और रिवर्स कैमरा ऑन करके देखते हैं। जैसे हमने अभी रिवर्स कैमरा ऑन कर दिया, और रिवर्स कैमरा में हमने भैया को खड़ा करके रखा हुआ है, भैया वहाँ खड़े हुए हैं। अब हम इसको रिवर्स कैमरा में पीछे जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितने दूर पर ये ऑब्जेक्ट साउंड करेगा हमारा, मतलब कितने दूर पर ये सेंसर बजना स्टार्ट होगा। जैसे कि हम ये देख लीजिए आप दोस्तों, ये हम आ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इतना कर दिए हैं, इतने पास ला दिए हैं, तब इतना जोर का साउंड बजने लग गया था, देख लीजिए दोस्तों। अब यहीं पे हम इसको हैंड ब्रेक लगा देते हैं और पीछे चल के देख लेते हैं कितना जगह बचा हुआ है। ये दोस्तों देख लीजिए, इतने डिस्टेंस में उसने इतना ज़ोरदार साउंड किया है, मतलब कि ये हम समझ लीजिए पूरा ही इतने में आराम से पार्किंग हो सकती है हमारी, ये थोड़ा बहुत जगह। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम किसी आदमी को खड़ा करेंगे तो हमको इतने दूर का जगह मिला, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतने ही दूर का जगह मिला होगा एक हाथ का, उससे उसके बाद ये ज़ोरदार साउंड करने लग गया था हमारा सेंसर, जैसे कि देख लीजिए अभी अभी ये कोई नहीं है। और अभी हम एक बार इसमें ईंटा या फिर घास या फिर कुछ भी रख के देखेंगे। तो हम अपनी गाड़ी यहाँ पर ला के खड़े कर दिए हैं, और हमको ये पेड़ दिखा है यहाँ पर, देख लीजिए एक छोटा सा पेड़ दिखा है। और अब हम इसमें भी कैमरा टेस्ट करेंगे कि हमारा कैमरा इसमें सेंसर साउंड करता है या नहीं करता। तो दोस्तों, अब देख लीजिए आप, हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर आने के बाद ये हम रिवर्स कैमरा ऑन कर देते हैं इसका, हमने रिवर्स कैमरा ऑन कर दिया है। चलते हैं पीछे और देखते हैं हमारा सेंसर साउंड करेगा या नहीं करेगा। तो हम इतना ज़ोरदार सेंसर बजने लग गया, हमारे गाड़ी में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट फिर भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़ोरदार सेंसर बज रहे हैं, आप सुन सकते हैं, देख लीजिए। जैसे ही मैं रिवर्स गियर ऑन कर रहा हूँ, वैसे ही इसमें का सेंसर साउंड करने लग जा रहा है। और पीछे भी आपको दिखा देते हैं कि कितना बड़ा पेड़ है, पहले तो हमने दिखाया ही था, आप वीडियो में सोच रहे होंगे कि हमने कोई दूसरा पेड़ दिखा दिया, दूसरा पेड़ ला दिया। तो हम अभी भी आपको दिखा देते हैं बाहर चल के कौन से पेड़ की वजह से साउंड कर रहा है। और दोस्तों देख लीजिए, ये स्पेस इतना बचा ही हुआ है, अभी लगभग आधा हाथ, आधा इंच, आधा हाथ अपना आ सकता है, तो भी ये इस छोटे से पेड़ के कारण भी इतना ज़्यादा साउंड कर रहा है सेंसर, उससे आप समझ सकते हैं कि बैक कैमरा कितना वो है। हमको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और रहे, ये तो पेड़ है छोटा मोटा, अगर कोई जैसे हमारी गाड़ी को नुकसान करने वाला कुछ चीज़ आ जाए
तो भी हमको कैमरा सेंसर साउंड करके बचा सकता है दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं कुछ ईंटा या पत्थर वत्थर रख के, या वो हमको ऊंचा जगह दिख रहा है वहाँ चल के हम एक बार देखते हैं वहाँ पे हमारा सेंसर कैसा साउंड करेगा या नहीं करेगा, या गाड़ी हमारी ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लोकेशन पर और हम आपको ये कैमरा में दिखा दे रहे हैं, अब आपको पीछे से भी दिखा देते हैं, उसके बाद इसमें अपन पीछे चलेंगे, हमारा सेंसर साउंड करेगा या नहीं करेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप पहले पीछे से देख लीजिए, हम अपने लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपको अंदर से भी दिखा देंगे इसका कितना सेंसर। सुना हमारा सेंसर साउंड अभी भी कर रहा है ये हम ऊपर जाने के लिए, दोस्तों देख लीजिए अभी ये मैं आपसे बात करने के लिए दोबारा इसको न्यूट्रल कर रहा हूँ, अदरवाइज़ अगर मैं रिवर्स गियर लगाऊंगा दोबारा सेंसर से एकदम ज़ोरदार बजने लग जाएगा और वीडियो में मेरी कोई साउंड नहीं आएगी, इस वजह से मैं न्यूट्रल करके आपको बोल रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए फिर से दोबारा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में टाटा पंच एडवेंचर रिदम के रियर कैमरे का टेस्ट किया, टाटा पंच एडवेंचर रिदम के रियर कैमरे का रिव्यू दिया है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा लीजिएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पंच की वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।